हेलो स्टूडेंट, नीट और जेई के लिए आज अपन केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करते हैं। तो नीट 2019 की एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 2NH3 रिएक्शन गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपन को चूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन अगर रेट की बात करें, तो रेट अपन किस किस को रेफरेंस मान के निकालते हैं। तो जनरली अगर रेट लॉ से निकालते हैं तो अपन बोलते हैं कि रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सबसे पहले तो अपन रेट लॉ के हिसाब से ऐसे निकालते हैं। दूसरा, रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस को देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, जो रिएक्टेंट की रेट होती है वो डिसअपीयरेंस के रूप में अपन लिखते हैं। तो देखो उसको कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू माइनस डी एन टू की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू माइनस 1/3 डी एच टू की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी। ये रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के साथ अपन रेट ऐसा लिखते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज होती है तो अपन उसको बोलते हैं फॉर्मेशन रेट अपन इससे निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, रेट इक्वल टू प्लस 1/2 डी एन एच थ्री की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी। यहां पे ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहां पे एनएच थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। अगर अपन इसको इक्वल फॉर्म में लिखे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी एन टू की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू माइनस 1/3 डी एच टू की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू 1/2, ये प्लस में है, डी एन एच थ्री की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी। इस फॉर्म में अपन ओवरऑल रेट को लिख सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों हैं। तो इनमें से अपन ऑप्शन मैच करते हैं, फर्स्ट वाले को देखें तो माइनस 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/2। ये देखो यहां पे ये जो प्रोडक्ट है इसके आगे अपन माइनस लगा रखे हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हमेशा अपन यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव साइन लगाते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं माइनस डी एन टू की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू 2 डी एन एस थ्री अपॉन डी टी, यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है, ये नीचे आता है कोफिशियंट, जैसे यहाँ पे यहां लग रखा है ना प्लस 1/2, तो ये नीचे आता है कोफिशियंट, ये ऊपर नहीं रहता, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी एन एस थ्री अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ये साइन के साथ प्लस के साथ है, ये माइनस नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, तो अपना यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले को भी देख लेते हैं, इसमें 3 डी एस टू अपॉन डी टी नहीं, ये 3 1/3 की फॉर्म में आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें अपन को करेक्ट डिफरेंस ये निकालना है किस किस में, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों रिएक्शन हैं जो कैटलाइज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर होगी सेकंड ऑर्डर नहीं होगी,
जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, एनी रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन हो, वो कैटलाइज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सेकंड ऑर्डर नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो इनमें कोई करेक्ट, इनमें डिफरेंस का कोई वो नहीं है। उसके बाद देखते हैं द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। तो अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले को देखते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ का जो फॉर्मूला अपन देखते हैं वो होता है 0.693 upon k, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की अगर बात करें तो सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू 1 upon a0 k, ये होता है सेकंड ऑर्डर का टी हाफ लाइफ का। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ऑर्डर वाला है, इसमें कहीं पे भी ए नॉट नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और इसका अगर ग्राफ देखें अपन तो टी हाफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए नॉट है इसका ग्राफ ऐसा आता है। इसका मतलब है ये ऑल टाइम ए नॉट पर कॉन्स्टेंट है, ये इसके साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन को अपन ढंग से पढ़े अगर देखें इसको, तो द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, बिल्कुल सही बात है। द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट, बिल्कुल दोनों करेक्ट बात है। और ये इनका डिफरेंस भी है, ये इन दोनों का डिफरेंस भी है। तो अपना कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट भी देख लेते हैं अपन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नहीं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जीरो ऑर्डर की नहीं करती, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाना है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नहीं, सेकंड ऑर्डर की भी डिपेंड करती है, क्योंकि रेट लिखते हैं सेकंड ऑर्डर में तो अपन ऐसे ही तो लिखते हैं के ए की पावर 2, अगर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है तो अपन ऐसे लिखते हैं, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर रेट कंसंट्रेशन को अगर अपन 2 times बढ़ाते हैं तो रेट 4 times इंक्रीज होती है, मतलब इसका ये कि कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड तो करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2+y2 = 2xy इज गिवन बिलो, रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट स्टेप वो फास्ट है, सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप दे रखी है, और थर्ड स्टेप वो भी फास्ट दे रखी है। ये नीट 2017 और ये जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी अपन अगर बात करें रेट की, इस क्वेश्चन में पूछा है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अपन इसमें रेट लो लिखेंगे, और रेट लो ऑलवेज लिखा जाता है स्लो स्टेप से, तो स्लो स्टेप में अपन रेट लो लगाएंगे तो रेट क्या होगी, रेट होगी रेट इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, इसका रेट कॉन्स्टेंट इस वाली का के, और अपन लिखेंगे किसको, इसके रिएक्टेंट के जो इसके रिएक्टेंट के कंपोनेंट है वो क्या है, एक्स और क्या है वाई, ये दोनों होंगे। उसके बाद अपन को रेट डिफाइन कर, सॉरी इसका ऑर्डर डिफाइन करना है, तो सबसे पहले अपन को यहां से कंसंट्रेशन, इसमें जो एक्स की कंसंट्रेशन है जो इनमें दे रखी है, जो फास्ट रिएक्शन है फास्ट स्टेप दे रखी है इसमें, अपन को वो डिफाइन करनी है, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कहीं पे y2 नहीं है, तो y2 को तो अपन को एज इट इज यहां पे रखना है। x की कंसंट्रेशन अपन यहां से निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं अपन इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम से कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट फर्स्ट वाली स्टेप फास्ट स्टेप, इसमें अपन इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में रहती है ये रिएक्शन, ये एरो के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो k कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो क्या है x, दो मॉलिक्यूल x के हैं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और यहां पे किसकी कंसंट्रेशन आएगी x2 की। तो यहां से x की वैल्यू अगर निकाले तो x क्या होगा, वो होगा k अगर यहां से x की कंसंट्रेशन अपन निकाले हैं तो वो निकल के आएगी यहां से k, और साथ में अपन लिखते हैं यहां पे x2। तो यहां पे इसका स्क्वायर था तो इधर भेजेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, रूट में, तो
इसको ऐसे 1 बाय 2 लिख दूं और इसको रूट लिख दें या 1 बाय 2, दोनों सही है। अब x की जो कंसंट्रेशन आई है उसको अपन यहां पे रिप्लेस करते हैं, तो रेट क्या निकल के आएगी, रेट निकल के आएगी k अंडर रूट का k x2 की पावर 1 बाय 2 और y2 ऐसे। तो y2 पे अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये जो इसके ऊपर जो पावर लगी रहती है किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर अपन इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कितनी है 1 बाय 2 प्लस 1, अगर इसको जोड़ेंगे अपन तो 3 बाय 2 आएगा, 3 बाय 2 को अपन 1.5 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में अपन देखते हैं मैच करवा के, ए फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी, सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, जीरो नहीं है, तो कौन सा वाला, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है और जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं इसके, जैसे अपन बात करें आरएनए सिक्वेशन, वहां से लगभग प्रीवियस ईयर में हर साल एक क्वेश्चन आता है आरएनए सिक्वेशन से, या तो ग्राफिकल देता है या एज ए नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी वो कैलकुलेट करवाता है। तो वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।